नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो। पर देखिए, आज आपके लिए हम लेके आए डेली डोज में भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वॉल्यूम 2 है, ये जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और SSC, UPSC, रेलवे, RPSC और RPS से जो भी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं, ये सभी के लिए, क्योंकि जहाँ पर भी पॉलिटी पूछी जाती है वहाँ पर संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आपसे यही डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए, जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर बात करें तो ये नामपत्र कार्यपालिका होती है, जो ये नामपत्र कार्यपालिका है जो कि राष्ट्रपति में निहित है। और जो आपकी जो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल परिषद होता है, वास्तविक कार्यपालिका जो होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुसार ये भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह, तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो राज्यों को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें और उनको पूर्ण अधिकार दे, ताकि ये वो अपने जो ग्राम पंचायत जो हैं वो अपना कार्य अच्छे तरीके से, सही ढंग से, सुचारू रूप से कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राम पंचायत का संगठन करें। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उससे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री होगा अगर सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह का समय मिलता है, 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 माह। अगला देखते हैं। अगला है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो दो अधिवेशन होते हैं उन दोनों के बीच में कम से कम 6 महीने का आपका अंतर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 माह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं, तो लोकसभा में ये 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में अभी 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य चुने गए हैं और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैग, CAG, कैग? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो देखिए, इसको हटाना राष्ट्रपति के कहने से रहा, ये हट नहीं सकते, तो इनको हटाने के लिए दोनों सदन जो हैं आपके लोकसभा और आपके राज्यसभा, इनकी दोनों के द्वारा इसका हटाया जा सकता है, इनके द्वारा ही हटाया जा सकता है, समावेशन के आधार पर हटाया जा सकता है। और अगर बात करें तो इनको हटाने का कारण भी होना चाहिए, जैसे एक तो है आपका असमर्थता कि ये कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, उसमें असमर्थ हैं, और दूसरा कदाचार, तो कदाचार इसी कारण से इनको हटाया जा सकता है। और इनके अगर बारे में बात करें तो देखिए, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा आपके नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो वो हीरालाल जे कानिया थे, तो HJ कानिया के नाम से इनको बोला जाता है, HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। और ये आपके जो बने थे 26 जनवरी 1950 को मुंबई में, तो मुंबई में ही ये आपके न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश थे पहले सर्वोच्च न्यायालय के। और देखिए, इसमें अगर बात करें तो इनका जो, इनके बाद में ये रहे थे आपके 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। और आज वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में रंजन गोगोई हैं, रंजन गोगोई जिन्होंने, जिनको शपथ दिलवाई थी रामनाथ कोविंद, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, 3 अक्टूबर 2018 को रामनाथ कोविंद ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इस राज्य में, भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो
तो जो विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है वो है आपके उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? तो देखिए भारत का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।